हेलो फ्रेंड, रीना होम किचन में सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बच्चों की टिफिन के लिए अलग टाइप की सैंडविच, यानी कि अपनी अंदाज में इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने टिक्की को बनाकर तैयार कर लिया, जो कि बहुत ही क्रंची है। और दो टिक्की को हमने इतने बड़े बनाया है जितने हमारे ब्रेड है। तो इस ब्रेड पर हमने इस तरह से घी को लगा लेना है। आप इसके जगह बटर भी लगा सकते हैं, या तो पिज्ज़ा सॉस, सेजमेन सॉस, मेयो, ये सब भी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे घर में ये सब ख़त्म हो चुका है, तो ये सब हम नहीं लगाएंगे। और इसके ऊपर से हमने देख सकते हैं देसी घी लगा दिया है, यानी कि ब्रेड के कोने कोने तक हमने ये देसी घी को अच्छे से लगा दिया है, कोटिंग कर दिया है। और इसके ऊपर से हमने काली मिर्च के पाउडर डाल रहे हैं। और इसके ऊपर से हमने जो चीज़ है, इस चीज़ को अच्छे से ये ब्रेड पर हम फैला देंगे। तो इस तरह से हमने चीज़ को अच्छे से इसमें डाल दिया है, ताकि जब हम बच्चों को खाने के लिए दें तो अच्छे से ये चीज़ी, जैसे पिज्ज़ा में डबल चीज़ वाले होते हैं, वैसे ही ये लगे। तो ये ऊपर से हमने इसके ऊपर से जो टिक्की बनाए थे वो डाल दिए। देख सकते हैं ये टिक्की जो है कितने बड़े हैं, जो ब्रेड के अच्छे से कवर कर गया है। और इसके ऊपर से हम फिर से डाल देंगे चीज़। अब इस तरह से एक बार बना के दीजिएगा बच्चों के टिफिन में, तो इतनी सी भी छोड़ के नहीं आएंगे, सारे टिफिन फिनिश करके आएगा। और यहाँ पर हमने फिर से ऊपर से इसके ऊपर से हमने काली मिर्च के पाउडर डाल देते हैं, ताकि इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगे खाने में। इस पर आप प्याज टमाटर, खीरा, ये सब भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये सब नहीं डालेंगे, क्योंकि वो उसमें पानी होता है, यानी कि मॉइस्चराइजर होता है। तो ये इसमें जब हम सेकेंगे ना तो छूटेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। अब इसका आप तवे पर भी सेक सकते हैं, लेकिन इसको हम ग्रिलर में सेकेंगे, ताकि इसका बहुत ही अच्छा क्रंची तैयार हो। लेकिन तवे पर भी बहुत ही अच्छा क्रंची होते हैं। अब इसको हमने इस तरह से ग्रिलर में डाल के दोनों को इस तरह से सेक लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये एक लाइट अभी नहीं चल रहा, ये दोनों लाइट अब जलने लगा, तो इसका मतलब ये हमारे ब्रेड बन के तैयार है। तो अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये ब्रेड एकदम क्रंची और कितना अच्छा इसमें कलर आ चुका है, यानी कि ये अच्छे से पक चुका है। तो ये देख सकते हैं, इसका जो टिक्की था ना एकदम पिचक गया इसके अंदर। और इस दोनों ब्रेड को हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसको हम कट करके दिखाते हैं आपको। तो ये देख सकते हैं, ये ब्रेड चीज़ टिक्की सैंडविच बनके तैयार है बच्चों की लंच के लिए। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये चीज़ी बन के तैयार हो चुका है। तो इसको हम लंच में पैक कर देंगे। तो ये हमारी रेसिपी अच्छा लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा।